आपके कॉलेज की समस्या निपटा दूं, फिर यूनिवर्सिटी वाली भी निपटाऊं। मुख्यमंत्री जी, सरकार किसानों को समझाने में असफल रही है, बार बार टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ, अब किसान तो समझ चुके, अब तो राजनीतिक लोग, और जिस तरह राजनीतिक लोग मंचों पे जाकर अब इस आंदोलन में हिस्सेदार बन रहे हैं, ये दिखाता है। कल तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पंजाब के कहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबको फ्री पास दिया दिल्ली आने के लिए, ये तो दिखा देता है कि कांग्रेस की सोच थी। और अब जिस तरह और पॉलिटिकल पार्टी भी कदम उठा रही है, ये अब आंदोलन किसान का नहीं। किसान को तो भ्रमित किया गया था कि तुम्हारी MSP खत्म हो जाएगी, मंडियाँ बंद हो जाएगी, ज़मीनों पर कब्जे हो जाएंगे। पिछले 7 महीनों में 1 इंच किसी की ज़मीन पर कब्जा हुआ, कोई ऐसा किसान था जिसको MSP में फसल बेचने का मौका ना मिला, या फिर कोई ऐसा किसान था जो मंडी में गया और मंडी के ताला लगा। एक भ्रम फैलाया गया और धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे, और लोग जवाब देंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने लोगों को भ्रमित किया। मुख्यमंत्री, दिनों MDA की बैठक हुई थी, जिसके अंदर कई MDA के ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जो अलग अलग विभागों को ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया था। जैसे जैसे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उनके अंदर भी स्टाफ की पूर्ति होगी, और HPSC और स्टाफ सिलेक्शन को ऑलरेडी भेजा गया है। कोविड के कारण एग्जामिनेशन नहीं हो पाए, जैसे एग्जामिनेशन होंगे सबसे पहले वैकेंसी मेवात की हम फुलफिल करेंगे। सर, मेवात के अंदर अगले 1 साल में कोविड की वजह से ना तो सेंट्रल सर्विसेज की ना स्टेट सर्विसेज की भर्तियाँ हुई, अब हमारी ओर से डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से परमिशन दे दी गई है कि एग्जामिनेशन होल्ड करे जाए। जैसे ही एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे रिजल्ट आएंगे, सबसे पहले आपके यहाँ फुलफिल करेंगे। मैं तो आभारी हूँ रामलीला कमेटी का, आजाद मोहम्मद जी का, जिन्हें मिलकर हमारे इस धार्मिक भाईचारे को ईद और शिवरात्रि के तौर पर बनाने का काम किया। और मैं तो आपके माध्यम से भी तमाम प्रदेशवासियों को सावन के इस पहले दिन पर, ये जो बारिश